अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम प्रोटोकॉल्स में अवेयरनेस मेज के कैसे डिज़ाइन करेंगे एनीमेज पर। स्टार्ट करते हैं। एम्प्टी एक्सपेरिमेंट इस ओपन करते हैं। हम देखेंगे फार्मस मेज उसके बाद हम ऐड आइटम में जाएंगे, न्यू वीडियो सोर्स में जाएंगे और यहाँ आप वीडियो जो है वीडियो फाइल में जाएं और यहाँ से आप फार्मस मेज की वीडियो जो है उसे प्ले कर लेंगे। उसके बाद आप ये देखिए ये हो जाएगी। उसके बाद आप जाएंगे ऐड आइटम में न्यू ऑपरेटर्स में और इसमें इसे भी आप नाम दे दें बार्नस मेज और यहाँ से देखिए एक एलिप्स जो है हम सेलेक्ट करेंगे और इसे यूँ और उसके बाद आप ये सारे होल्स में नहीं कवर करेंगे। और उसके बाद ये एनिमल कलर अच्छा यहाँ पे 9 10 आई थी रूलर की लेंथ और उसके बाद आप एनिमल कलर में जाएं। एनिमल्स आर लाइटर। ट्रैकिंग में जाएं
PSI1 ट्रैकिंग, फिर जोन में एड जोन करें, न्यू जोन, यहाँ पे होल्स लिखें और ये सारे आपके होल्स हैं। और उसके बाद एक और जोन ऐड करें, एस्केप जोन, एस्केप होल, सॉरी। ये देखेंगे मेरा, मैंने यहाँ पे मार्क लगाया हुआ है मेरा एस्केप जोन है और ये मेरा हिडन जोन है। इसे आपने हिडन जोन सेट कर लेना है। उसके बाद ये देखें एनिमल का कलर, तो यहाँ पे 1000 mm जो है उसकी वो है लेंथ। अगर यहाँ पे स्टार लगा रह जाए इसका मतलब है आपने इसे भी फील करना है। फर्स्ट स्टेज जो है उसको हम करते हैं ट्रेनिंग, और इसमें मेरा ड्यूरेशन था 180 सेकेंड, मैंने 3 मिनट्स के लिए उसको छोड़ा। उसके बाद एक और स्टेज ऐड कर लेते हैं न्यू स्टेज में जाके, और ये है प्रोब डे। और प्रोब डे में मेरा टेस्ट ड्यूरेशन जो है वो 90 सेकेंड्स का है। और इसके बाद आप देखें, ओके, हम एक बीच में प्रोसीजर रह गया। देखें इसमें हमें प्रोसीजर जो है वो डिफाइन करना है। ऐड प्रोसीजर, ऐड में जाएं और न्यू प्रोसीजर में जाएं। ये देखें यहाँ प्रोसीजर जो है पहले मैं करूँगी ट्रेनिंग स्टेज का, और मैं प्रोब डे को अनटिक कर देती हूँ। आप जाएं वेट अनटिल करें, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। उसके बाद इवेंट्स में जाएं, एनिमल एंटर्स द एस्केप होल, ठीक है, और ये इसे डिलीट कर दें, यस। और फिर आप एक्शन में जाएं, और एक्शन में आप देखें कि आप चाहते हैं कि एंड द टेस्ट और स्पेसिफाइंग रीज़न। आप इस मार्कर पे क्लिक करें और यहाँ पे ये देखिए आ रहा है ट्रेनिंग स्टेज, बाकी डिलीट कर दें और इसको ओके करें। ये हमारा एंड हो गया है, ये हमारा प्रोसीजर है ट्रेनिंग स्टेज का। फिर दोबारा ऐड आइटम में जाएं, न्यू प्रोसीजर में जाएं, और यहाँ आप प्रोब डे का प्रोसीजर जो है वो सिलेक्ट करें। प्रोसीजर सेम है, वेट अनटिल, वेट अनटिल में जाएं, फिर इवेंट में जाएं, एनिमल एंटर द एस्केप होल, इसको डिलीट कर दें। और उसके बाद एक्शन में जाएं, एंड द टेस्ट स्पेसिफाइंग रीज़न के साथ, और रीज़न आपने यहाँ से बता देने हैं कि प्रोब डे में 96 का है ना, इसे ओके करते हैं। और देखिए ये हमारा प्रोसीजर जो है वो डिफाइन हो गया। उसके बाद ट्रीटमेंट ग्रुप्स हम मैन्युअली असाइन करेंगे, और बस फिर इसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट में चले जाना। यहाँ पे मैं लिखती हूँ नॉर्मल से लाइन, मेरा ग्रुप है और उसमें जैसे 3 एनिमल्स हैं, व्यू एनिमल्स में जाएँ और आप टेस्ट में चले जाएँ। देखें स्केल टू फिट कर लें, ट्रैकिंग इंडिकेटर होल्स जो हैं वो ऑन कर लें, नीचे जोन ऑन कर लें, दो जोन्स हैं, और इसे आप प्ले करें। अच्छा यहाँ आप देखें आपने अब कौन सा एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट किया प्रोसीजर, ये देखें प्रोसीजर है ना, हम ये ट्रेनिंग डे पे काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग डे का करें और फिर एक्सपेरिमेंट में जाएं। देखिए आपको मैं प्रोटोकॉल में जाएं, और आपने यहाँ पर ऐड आइटम में जाके न्यू प्रोसीजर जो है उसको ऐड कर लेना है।
जब हम न्यू प्रोसीजर ऐड करते हैं, लाइक कहाँ गया है प्रोसीजर, ये देखें आप यहाँ पे एक न्यू प्रोसीजर ऐड करें, ये मैंने एक ऐड किया और उसको मैंने नाम दिया एंटर एस्केप जोन। इसे मैं डिलीट करके आपको दोबारा से बताती हूँ कि हम इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। यहाँ से भी इसको डिलीट कर देते हैं। यस ओके, ये देखिए आप ऐड आइटम में जाएं, न्यू प्रोसीजर में जाना है हमने। ये देखिए उसके बाद वो कहते हैं कि प्रोसीजर का नाम क्या है, हम कहते हैं कि एस्केप होल इसका नाम है। यहाँ पे आपके पास ट्रेनिंग स्टेज है और प्रोब डे है, हमने एक एट अ टाइम क्लिक करना है। उसके बाद हमने इसे स्टेटमेंट देनी है, इसे वेट इन अंटिल को लेके यहाँ पे ड्रैग करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे इसे इवेंट क्या होगा। ये देखें एनिमल एंटर द होल जोन, ये हमें चाहिए एनिमल एंटर द एस्केप होल जोन। इसे आप यहाँ पे ड्रैग कर दें और ये इसे रिमूव कर दें। इसके बाद हमें एक्शन चाहिए कि हम कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम एंड द टेस्ट स्पेसिफाई द रीज़न, और हम रीज़न जो है यहाँ पे देखें आप ये एक पेन बना हुआ है, इसे क्लिक करें तो वो बताता है कि आप कैसे करेंगे एंड बाय प्रोसीजर। इसे मैं डिलीट कर देती हूँ एस्केप होल, और यहाँ पे इसे अगर नीचे ड्रैग करें तो वो पूछता है एंटर एस्केप होल, तो इसे मैं क्लिक कर देती हूँ कि जब एनिमल एस्केप होल में एंटर होगा तो हमारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंट में जाएं, जैसे मैंने लिखा है कि नॉर्मल लाइन के मेरे चार एनिमल्स होंगे, फिर आप टेस्ट में जाएं और टेस्ट में जाके आप एक्सपेरिमेंट में जाएं और इससे यहाँ पे लिख देते हैं ट्रीटमेंट, और यहाँ जैसे टू एनिमल्स लिखते हैं, फिर टेस्ट में जाएं करें। ये देखिए यहाँ आ रहा है रेडी ट्रेनिंग स्टेज, और यहाँ आप देखें ये बार्नस में इसमें पे कुछ एनिमल्स जो है ना आपको तंग करते हैं। अगर आप स्टार्ट पे जब वो एनिमल खड़ा है और मूव नहीं कर रहा, वहाँ पे वीडियो प्ले करते हैं, आपने तब वीडियो प्ले करनी है जब ये एनिमल जो है वो थोड़ा सा चलने लग जाए। ये अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर ये इस तरह आता है। ये टेस्ट कैजुअल खुल गया था इसलिए वो चल नहीं रहा था। आप ये देखिए इसे आप स्टॉप करें, यस करें, और सेकेंड एनिमल की जैसे ये चला गया है आप इसको यहाँ से प्ले करें और देखें ये टेस्टिंग हो रही है। और इसके बाद जब एनिमल जो है वो जो एस्केप होल में जाएगा एंटर होगा तो ये कंप्लीट कर देगा टेस्ट। अगर आपका अपरेटस एक ही जगह पड़ा होगा तो आपको इसे बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका अपरेटस जो है वो हिलेगा तो फिर आप यहाँ से ये जो है यहाँ से इसको आप थोड़ा बहुत अपरेटस को सेट भी कर सकते हैं हिला के। ये देखें ये टाइम जो है वो कम्प्लीट हो गया 180 सेकंड्स, और ये एनिमल जो है उसकी जोन में एंटर नहीं हुआ। अब आप रिजल्ट्स में जाएं और यहाँ पे देखें आप नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन द जोन, नंबर ऑफ़ एग्जिट टाइम इन द जोन में क्लिक कर लेती हूँ, या फिर जो भी पैरामीटर्स आपने लेने हो आप वो यहाँ से टिक करें। टेक्स्ट में जाएँ
और व्यू द रिपोर्ट में जाएं, जब भी रिपोर्ट आ जाएगी इसे आप यहाँ से यूँ सेव कर सकते हैं वर्ड की फाइल को। जैसे मैं यहाँ बार्नस करती हूँ और इसे सेव कर लूँ, ऐसे यहाँ पे आप देखें आपके पास ट्रैक प्लॉट्स भी आएंगे। अभी ये एनिमल जितना मूव किया है उसके ट्रैक प्लॉट, यहाँ तो इतना अच्छा ट्रैक प्लॉट नहीं आया लेकिन क्योंकि एनिमल इतना ज़्यादा मूव नहीं करता, और आपको वहाँ मॉरिस वाटर में बहुत अच्छे ट्रैक प्लॉट जो है वो भी मिल जाते हैं। हीट मैप भी ये देखें आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और सेम आप सिमिलरली यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं अपने ट्रैक प्लॉट्स को। यहाँ ट्रैक प्लॉट लिखें और इसे सेव करें, और ये देखें आप वर्ल्ड की फाइल में नीचे ये सेव हो गए होंगे। ये देखेंगे ट्रैक प्लॉट के नाम से ऐसे ये सेव हो जाएंगे आपके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके अल्लाह।